हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने 2 मिनट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं एल नीनो। एल नीनो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आइए देखते हैं पहले नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है वॉकर सर्कुलेशन, जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस में साउथ अमेरिका की तरफ हाई डेंसिटी होने की वजह से कोल्ड विंड्स एंड कोल्ड वाटर यहाँ पे पाया जाता है। एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशियन साइड में वार्म वाटर एंड वार्म करंट पाया जाता है। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी अपवेलिंग है साउथ अमेरिका में, इस वजह से दिस इज गुड फॉर फिशरीज। एंड हमारी विंड जो है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्मल कंडीशंस में हमारे ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा बारिश होती है एंड इट रिमेन्स ह्यूमिड ओवर हियर। एल नीनो ईयर में क्या होता है, जो हमारी सर्कुलेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है एंड दी एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया साइड में वो जो है वो काफी ज्यादा कोल्ड करंट पाया जाता है एंड जो साउथ अमेरिका की तरफ हमारा वार्म करंट पाया जाता है। इससे क्या होता है, कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जो हमारे सेंट्रल पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे एयर प्रेशर काफी ज्यादा ड्रॉप करता है। कल कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एयर प्रेशर ड्रॉप्स इन लेट से, ऑप्शन है आपको सेंट्रल पैसिफिक रीजन, वेस्ट पैसिफिक रीजन, ईस्ट पैसिफिक रीजन, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर है। एंड सेकेंडली, एयर प्रेशर ड्रॉप्स ओवर लार्ज एरियाज इन सेंट्रल पैसिफिक एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल। जो हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जो हमारा वेस्ट पैसिफिक में ड्रॉट, वेस्ट पैसिफिक कौन सा रीजन है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, वहां पे हमें ड्रॉट मिलता है। और हमारे जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा हमारे बारिश पाई जाती है एंड जो अपवेलिंग है कोल्ड करंट की वो खत्म हो जाती है। सो यही हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। So let's see the impact of El Nino monsoon in India. एक चीज का ध्यान रखें, जो एल नीनो है और जो इंडियन मानसून है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। जब हमारा एल नीनो होगा तो हमारा बारिश एंड मानसून कम होगा इंडिया में। बट एक स्टेटमेंट जो है हमारे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या जब भी एल नीनो आता है तब हमारा इंडियन मानसून वीक होता है, तो आंसर इज नो। देयर आर ईयर्स जब काफी ज्यादा एल नीनो होने के बावजूद हमारा इंडियन मानसून वीक नहीं होता। ओके, सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एंड वन मोर थिंग, एल नीनो एपिसोड्स हैव नेगेटिव एसओआई, वेयर इज ला नीना में पॉजिटिव एसओआई पाया जाता है। यह भी हम आगे देखते हैं। ला नीना क्या है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस हैं वो सेम चीज है, बट इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, दैट इज इट। जो हमारे सारे नॉर्मल कंडीशंस में, जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में वही रन करती है, बट इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। एंड बारिश इंडिया में काफी ज्यादा पाई जाती है, एबनॉर्मली हाई मानसून्स इन इंडिया ड्यूरिंग ला नीना ईयर्स। And one more thing, La Nina episodes have positive SOI. This is it for this series. Please अपने prelims की तैयारी करते रहिए. Thank you.